हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, फटाफट जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने बात किया हुआ था कि भैया आईयूपीएससी नेमिंग कल्चर कैसा, तो मतलब आईयूपीएससी जो नामकरण होता है कंपाउंड्स का वो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर सीखे हुए थे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे मेरे प्यारे बच्चे ने ये सारा जो है होमवर्क था वो सारे होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो बच्चे, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले कि भैया एक थ्योरी होती है हमारे इस चैप्टर के अंदर, भैया तीन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहला का जो नाम हो बच्चे वो हमारा है वार्नर थ्योरी। क्या बेटा? वार्नर थ्योरी। इस वार्नर थ्योरी के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस वार्नर थ्योरी के अंदर हम लोग दो चीजों के ऊपर बात करते हैं। पहला जो चीज होता है प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है द्वितीयक संयोजकता। इसको एकदम शॉर्टकट तरीके में याद करने का जो तरीका होता है, जो स्टूडेंट ने मेरे को बताया हुआ था, वो था ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से छुट्टी। अब ये करने से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि हम वार्नर थ्योरी का यूज कहां पे कर रहे होते हैं। वार्नर थ्योरी हमको ये बता रहा था बेटा कि ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिजेबल होते हैं या फिर अनआयोनिजेबल होते हैं। मतलब भैया वहां पे जो है जो हमारे कंपाउंड्स है वो आयोनिक बॉन्ड्स में टूटते हैं, आयोनिक जो है कंपाउंड्स में टूट जाते हैं या फिर नहीं टूटते, ये बताने की कोशिश करता है। तो बच्चे यहां पे हमारा जो पोस्ट ऑफिस कहने का मतलब ये बताता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी। हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी उसका हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण करेंगे। पहला जो कॉम्प्लेक्स होगा उस पहला जो वैलेंसी होगी उसका हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। देन उसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी का, सेकेंडरी वैलेंसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे मतलब समन्वयन संख्या निकाल रहे होंगे। अब बच्चे ये सारी चीज करने के बाद हमको एग्जाम्स के अंदर लिखना है कि जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है बेटा? आयनोजिबल होता है, मतलब ये आयनीकृत हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनीकृत हो सकती है, और मेरे प्यारे बच्चे जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है फिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आयनीकृत नहीं हो सकता, आयनीकृत नहीं हो सकता। ये कुछ अच्छी चीजें बेटा आपके एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा। और बच्चे जब ये जो क्वेश्चन है बहुत सालों से पूछा नहीं गया, तो उम्मीद नहीं है मेरे को कि ये क्वेश्चन वापस रिपीटेडली पूछा जाएगा, लेकिन बच्चे हमारे चैप्टर में हमारे जो सिलेबस के अंदर है तो इसको हम थोड़ी सी जानकारी इसके ऊपर तो रहनी चाहिए। अगर एग्जाम्स के अंदर आए तो इसको लिखने भी तो आना चाहिए ना, एटलीस्ट हम थोड़ा ही क्यों नहीं लिखे, लिखे तो सही। ठीक है बच्चा, इसको कंप्लीटली छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हमने पूरा जो है वार्नर थ्योरी को आप लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको अच्छे से और पढ़ना बेटा तो आप बुक प्रीफर कीजिएगा एक बार। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं सीएफटी, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होता है वो क्या करता है? ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पर निर्भर रहता है। स्प्लिटिंग कहने का मतलब उसके जो है भागों पर अलग अलग विभाजित करने पर, उसी पर ही डिपेंड रहता है, उसी पर निर्भर रहता है। अब कैसे निर्भर रहता है, ध्यान से समझना बेटा। आपको पता है कि हमारा जो डी ऑर्बिटल रहता है हम वहां पे भी क्या लेते हैं, हमारा जो डी ऑर्बिटल कहीं यूज करते हैं, मतलब भैया जो डी ब्लॉक है उसी का ही हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। और डी ब्लॉक के अंदर हमको पांच डब्बे इस तरीके से दिखते हैं, पांच जो है ऑर्बिटल्स दिखते हैं, क्लियर है। अब पांच ऑर्बिटल दिखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फील हो सकते हैं बेटा? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। बेहतरीन सर, हमको तो पता है सर। अब मैं को आप लोगों को जब मैं कक्षा 11 में पढ़े होंगे, आप लोगों को मैं नहीं, हाँ कक्षा 11 में जब पढ़े होंगे तो वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारा जो कक्षक होते हैं उसकी आकृतियां कैसे होती है, जो एस ऑर्बिटल होता है वो गोलाकार होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल आकार का होता है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डंबल आकार का होता है, ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी ऑर्बिटल को हम लोग कुछ नाम देते हैं बेटा, क्या है? कुछ नाम जानते हैं। हमारा जो होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और क्या होता है बेटा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या बेटा? डी जेड स्क्वायर। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं। अब इसको कुछ कुछ करने का होता है। यहां से देखो भाई, ध्यान से समझना। अगर मान लो भाई ये हमारा एक ऑर्बिटल है, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा, और ये मेरा पांचवा ऑर्बिटल है, पांचवा डब्बा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है उसका अरेंजमेंट क्या होता है? स्प्लिटिंग पे रहता है। क्या बेटा? स्प्लिटिंग पे। ध्यान सुनना, सारी चीजों को समझते जाना कैसे चीजें होती है। ठीक है बच्चे, ध्यान समझना। ठीक है, अगर अगर मेरे जो है, ठीक है, इसी को यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन, हाँ इधर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे तो ये जो तीन है ना मेरे स्टार्टिंग के, ये जो तीन स्टार्टिंग के हैं, तो ये जो तीन है मेरे क्या होने वाले हैं, इसको मैं एक नाम देता हूं T2G। क्या बेटा? T2G। इसको मैं एक नाम देता हूं T2G। और ये जो दो है इसको नाम देता है मैं, इसको क्या नाम देगा? हाँ देखो बेटे, जो स्टार्टिंग के जो ये तीन एलिमेंट है DXY, DYZ और DZX, ये हमारे क्या कहलाते हैं? T2G कहलाते हैं। और ये हमारा जो क्या होता है? इजी कहलाता है। क्या बेटा? इजी कहलाता है। अगर बच्चे ध्यान सुनना, अगर मेरा लिगेंड जो है स्ट्रांग रहता है,
तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है। क्या बेटा? ज्यादा होती है। देखो ध्यान से, ध्यान समझना मैं क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज बोलने वाला हूं, एकदम ध्यान सुनते रहना। अगर मेरे डी ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। अगर मेरा लिगेंड जो है वीक होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं क्या बात करूंगा, अगर यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं किसको, मैं इजी को लिख देता हूं, चलो इजी को, ठीक है, इजी यहां पे लिख देता हूं, यहां पे नीचे में मैं लिख देता हूं टी टू जी। तो इजी यहां पे हुआ, टी टू जी यहां पे हुआ, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चे यहां पे अगर ध्यान से देखना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये अगर मान लो कि ये मेरा जीरोथ वैल्यू है, तो यहां पे बेटा क्या होता है, 2/3 डिस्टेंस होता है, यहां पे 3/2 ऐसे कुछ डिस्टेंस रहता है, ठीक है। अब ये बच्चे, ये क्या हमारे ऑक्टाहेड्रल पर डिपेंड करता है, हमारे जो है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। टेट्राहेड्रल में कैसी जियोमेट्री रहेगी, ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो कैसी जियोमेट्री रहेगी, मतलब कि चतुष्फलकी के अंदर कैसे जो है इसकी संरचना रहती है और जो है अष्टफलकी के अंदर कैसे इसकी संरचना होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। तो आपको कुछ चीजें यहां पे जाननी पड़ेगी, ये पूरे का पूरा बहुत बड़ी थ्योरी बच्चे, मैं इसको ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हम इसको बात कर सकते हैं। अब बच्चे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे मैं बोलूं कि 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन सॉरी इस तरीके से भरे हुए हैं, तो अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पहले फिर जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहीं पे भी वापस से पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर वाले में नहीं जा पाएगी जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। वीक लिगेंड होगा बेटा तो यहां पे जो पेयरिंग है सीधा यहां पे भी चली जाएगी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पारो डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंडे बेटा आपको जो है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आपको समझ में आया होगा। अब बच्चे हमको समझना है कि वीबीटी में कैसे चीजें होती है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कैसे चीजें होती है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने पहले, ये स्पेक्ट्रोमीटर जो है, सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है, इसको आप लोग पहले याद कर लो और इसको जो बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चों फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, जिसकी के बेसिस पर हमको पता चलता है कि जो हमारा लिगेंड रहता है वो स्ट्रॉन्ग है कि न्यूट्रल है या फिर भैया कमजोर है, वीक है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है बच्चे। तो हम बात बच्चे लोगों, अपन ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि भैया हमारा CFT जो है आखिर कैसे काम करता है। ये जो है हमारा क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के ऊपर निर्भर करता है। और हमको पता है बेटा डी ऑर्बिटल होता है, हम उसको 5 तरीकों में क्लासिफाइड करते हैं, 5 उसकी जो संरचना होती है। पहले जो संरचना बेटा यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, DXY, DYZ, DZX, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और X²-Y²-DZ² इस तरीके से हमको सारी की सारी चीजें बेटा हमको दिखाई देती है, हमको सारी चीजें पता चलती है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको सारी की सारी जो फंडे है एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो मेरे बच्चे एकदम ध्यान से देखते रहना, यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या बेटा Fe जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, और जो CN है हमारा लिगेंड, और यहां पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहां पे -3 चार्जेस है। इस प्रकार से बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ध्यान से देखना समझना। देखो बच्चे सबसे पहले इसका मैं क्या निकालता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, अगर X इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, ठीक है, ऐसे ही मैं निकाल रहा हूं। सारे बच्चों आपको जो यहाँ पे मास्टर हो गए होंगे, सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। देखो बेटा यहाँ पे एक्स होगा, CN का क्या होता है बच्चे, CN का माइनस, तो यहाँ पे -6, ये 6 हो जाएगा, ये 1 क्या होगा बेटा, 1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 हो जाएगा, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 हो जाता है, ठीक है, पहली बात। अब बच्चे जब इसको देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई इसके जो आखिरी ऑर्बिटल है आर्गन 18 और 5 कितना होता है बेटा, 18+5=23। जो FeCN6 है यहाँ पे -3 चार्ज है, मतलब इस CN का क्या होगा बेटा, -3 चार्ज है, और Fe के अंदर +3 चार्ज आएगा, Fe के अंदर +3 चार्ज आएगा, मतलब +3 करने का मतलब है कि वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, Fe के पास से जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भैया 26 जो एटॉमिक नंबर था वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो बच्चे हमको यहाँ पे लिख दिया ऑर्गन क्या होता है, पहले बच्चे ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, और D5 कर दूंगा तो वहां पे क्या होता है, मेरे को 23 एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। इससे हमको ये पता चल जाता है बेटा कि जो हमारा डी ऑर्बिटल, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फील्ड कर देता हूं। चलो बेटा ये मैंने इस तरीके से सारे जो है एक-एक डब्बे के अंदर एक-एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर आता है, अब T2G क्या बोलता है, यहां पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहने का मतलब वो आपको स्पेक्ट्रोमीटर देख के पता चलेगा, क्या बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर, ध्यान से देखना, सॉरी स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है बेटा, हम स्पेक्ट्रोमीटर में बार बार स्पेक्ट्रोमीटर ही बोले जा रहा हूं, हम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के पता चलता है कि कौन सा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा लिगेंड बच्चा वीक है, हमको ये देख के पता चलता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे अपन क्या बात करते हैं, यहां पे जो हमारा CNSS
ये सारी चीजें होती है, कुछ याद करने के तरीके भी दिए बेटा, ठीक है। ये कुछ याद करने के तरीके मैंने खैर इसको बताया भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है बच्चा। ये इस तरीके से हमारे पास कुछ लिगेंड है। अब यहां पे जो हमारा सीएल है बेटा, ये हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड, ये इस तरीके से आएगा बच्चा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, इस सीक्वेंस में आएगा। तो यहां पे जो सीएल है वो मेरा क्या है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेरा क्या होगा बेटा, ध्यान समझना, ठीक है। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान समझना कहां पे रखें उसको अपन, कहां पे गया, ये मिला। चलो अब देखो बेटा, यहां पे अगर मेरा सीएन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सीएन स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो वो क्या करता है, मैंने बताया ही हुआ है कि भैया वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, पेयरिंग करके रखता है। बेटा पेयरिंग करेगा तो कहां पे आएगा, टी2जू के अंदर पहले आता है। अब देखो बेटा यहां पे टी2जी में पहले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगा, ध्यान से देखना इस तरीके से होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन पहले जो, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन जो तीन डब्बे के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने की शक्ति रखता है, तो वो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी के अंदर आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है पॉसिबल। समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर बच्चे हमारा जो लिगेंड होता है वो वीक होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना, इसको हम बोलते हैं बेटा सीएफटी में स्ट्रक्चर, सॉरी सीएफटी में स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है मैं आगे बताऊंगा जब हम वीबीटी करेंगे, तो बेटा चलो एक्चुअल हम वीबीटी के ऊपर आते हैं, तब सारी चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और वीबीटी का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान समझना, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, आप बस समझते ही जाना चीजें कैसे हो रही है, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, अगर वीबीटी में अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना होता है, ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के रखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ जाते हैं बेटा सारे बच्चों को, उम्मीद कर रहा हूं आता होगा, अगर नहीं आता बेटा वो मेरे वीडियोस देख लेंगे, वहां पे मैंने आपको सिखाया ही हुआ है। दूसरी बात बेटा, लिगेंड की प्रकृति के ऊपर बात करें कि लिगेंड का जो नेचर होता है वो कैसे तरीके के होता है, कि स्ट्रांग होता है, कि वीक होता है, कि सॉफ्ट होता है, ऐसे कुछ तरीके होंगे, उसको हम बात करेंगे। और वो तरीके कहां से पता चलेंगे, हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, वहां से पता चलेगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा हमें तो कुछ लिगेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिगेंड होता है, जो प्रबल क्षेत्र होता है, जहां पे देखो सीओ सीए सीएन साइनाइड सीओ कार्बोनिल एनएसटी एमिन, ये सारी चीजें होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यहाँ पे कुछ भी लिगेंड मैंने लिखा हुआ बेटा, दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड, उस यहाँ पे जो है दो तरीके के लिगेंड होते हैं, मैं आपस से आपको रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक होता है, दुर्बल लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, युग्मन करता है, मैं वापस से रिपीट करूं, ध्यान से सुन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। जो वीक लिगेंड होता है बेटा, दुर्बल लिगेंड होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सिंपल, ठीक है, पहली बात। अब बेटा ध्यान से देखना, हमको संक्रमण के बारे में बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि उसकी जो ज्यामिति है वो कैसे होगी, तो संक्रमण के बारे में कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। अगर बेटा वो sp3 संक्रमण आता है, sp3 आता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, उसकी जो ज्यामिति होगी, वो चतुष्फलकी होने वाली है। क्या बेटा, चतुष्फलकी होने वाली है। अगर sp3 होगा तो वो चतुष्फलकी होगा। अगर बच्चे वो dsp3 होता है तो वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर होता है। क्या बेटा, वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर होता है। अगर मेरे बच्चे d2sp3 या फिर sp3d2 स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है, अष्टफलकी स्ट्रक्चर हो रहा होता है, अष्टफलकी स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर सारे बच्चों को? तो ये कुछ फंडे हैं, ये कुछ मुद्दे हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिखिए रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको कुछ भैया यहाँ पे एक और बात पता करनी होती है, जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय होता है कि प्रतिचुंबकीय होता है। तो बेटा ध्यान से, मैंने आपको डी ब्लॉक गैप कराया था तो वहां पे सारी चीजें बताई भी हुई थी, वापस से आपको ध्यान सुन लो। जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होते हैं, तब वहां पे क्या होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है। क्या बेटा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति की होती है। और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं रहता, नहीं होता, तो वो क्या होती है, अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। और अनुचुंबकीय प्रकृति के कारण ही क्या होता है बेटा, वहां पर रंगीन जो है कलर्स दिखते हैं, मतलब वहां पे कलर मिलते हैं किसी भी आयंस के। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से आपको सारे के सारे फंडे बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्या हो गए, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको सारे फंडे जो क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब बच्चे हमारे पास एक बेहतरीन सा एग्जांपल है। क्या बेटा, एक बेहतरीन सा एग्जांपल, इस एग्जांपल को करोगे ना तो आपको मक्खन जबरदस्त समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे ध्यान समझना, ठीक है। देखो क्या करना है, हमारे पास जो Fe है, सबसे पहले इस Fe का हमको क्या निकालना है बेटा, इस Fe का निकालना होगा, Fe का निकालना होगा हमको जो है ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे सेम फंड जो मैंने आपको अभी भी कराया, वहां पे वैसे ही यहाँ पे एक आर्गन रख देता हूँ, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, और जो यहाँ पे होता है 3D हो जाएगा 5, और 4s जो होता है बेटा 4s हो गया वो भी 0, कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो ध्यान समझना बेटा, इसको अगर मैं ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होता है, देखो देखो फटाफट देखो, ये यहाँ पे 5 डब्बे,
पांच डब्बे पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच हो गए बेटा। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से, आखिरी इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहे हैं, ये देखो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे। अब ध्यान से देखना कि भैया यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। यहाँ पे जो CN जो होता है, सॉरी CL जो होता है, वो हमारा वीक लिगेंड होता है। क्या बेटा? वीक लिगेंड। मैं आपको दिखा दूं फटाफट, देखो बच्चे ये हमारा क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेयर इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये देखो ठीक है। हमारा जो क्या होता है बेटा, जो CL होता है ये हमारा क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। क्या बेटा? वीक लिगेंड होता है ठीक है। अब वीक लिगेंड होता है तो वीक लिगेंड क्या रिस्पॉन्सिबल करता है भैया, वीक जो है हमको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहां पे मेरे को मिलेगा T2G और यहां पे मिलेगा मेरे को ईजी। क्या बेटा? ईजी। यहां पे मेरे को ईजी मिलेगा, यहां पे मेरे को T2G मिलेगा। और ये बच्चों को सबको पता है कि मैं T2G किसको बोलता हूं, ईजी किसको बोलता हूं ठीक है। इस प्रकार से मेरे को मिलेगा। अब बच्चे ध्यान से देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन पॉसिबल नहीं है, तो पहले तीन इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, पहले तीन इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद बेटा वो क्या चले जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, मतलब इजी के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन का युग्मन कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल बेटा, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन को कुछ ब्लैंक पेजेस की नीड है, यहाँ पे कुछ अपने को ब्लैंक पेजेस की नीड है जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ पाएंगे। देखो बच्चे ध्यान से मानना, यहाँ पे कुछ ब्लैंक पेजेस चाहिए अपन को, ठीक है, वेरी गुड ठीक है। अब T2G मिला, EG मिला, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, यहाँ से ना बच्चे अपन को करना होगा पेयरिंग। क्या करना पड़ेगा बेटा? पेयरिंग। अब मेरे बच्चे आपको ध्यान से एक चीज बता दो, कहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज मेरे को बता दो कि भाई जब यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा है तो वो कौन सी चुंबकीय प्रकृति रखेगा, अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, कौन सी चुंबकीय रखेगा बेटा? वो रखेगा अनुचुंबकीय प्रकृति। क्या रखेगा बेटा? वहां पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति, पैरामैग्नेटिक सिचुएशन रखेगा। क्लियर बच्चे? पैरामैग्नेटिक सिचुएशन रख रहा है। तो इस प्रकार से हमको पता चलेगा कि यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, मतलब ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। सिंपल बेटा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो अब बच्चा हमको जब बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई, अब बच्चे हमको सिर्फ एक चीज करनी है कि भैया कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे ज्यामिति बनती है, उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो सीरीज है ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको आगे बढ़ाने से पता चल जाएगा कि कौन सी ज्यामिति मिल रही है। देखो बेटा लिगेंड कैसे जो है क्या करेगा, हमको ध्यान से समझना, जो 3D5 पे आया, अब 4S नॉट आया। अब 4S नॉट से इसके ऊपर बच्चे हमको 4P भी मिलता है, 4P नॉट भी मिलता है, अब 4D नॉट भी मिलता है, नॉट कहने का मतलब जीरो ठीक है बच्चा, ये हमको जीरो भी मिल रहा है, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये तीनों चारों को देखना ध्यान से, ये चारों को देखना कैसे स्ट्रक्चर बनती है, इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाता हूं कैसे बनती है, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में बात कर रहा हूं बेटा ठीक है, ध्यान से देखना। अब बच्चे ये मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा डी होने वाला है, 3D होने वाला है, ये मेरा क्या बेटा, ये मेरा 3D होने वाला है, ये मेरा 4S होने वाला है, और ये मेरे बच्चे क्या होने वाला है, पी होने वाला है, पी क्या है? ये मेरा 4S, 4S नॉट, ये मेरा होने वाला है 4P, सॉरी 4P होने वाला है, और ये मेरा होने वाला है 4D, इस तरीके से मेरे को मिलेगा 4D, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 4D। तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, यहाँ पे कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है 4S, 4D और 4P के अंदर, या इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर बैठे हुए हैं, एक तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एक ऑर्बिटल के अंदर जो है बैठा हुआ है। अब ध्यान से सुनते रहना बेटा कि चीजें कैसे होती है, एकदम मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि जिससे जो है आपको चीजें एकदम एक बार में ही समझ में आ जाए। देखो बेटा क्या करना है हमको, जो है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे जो लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने बेटे, यहाँ पे 6 लिगेंड दिख रहे, तो 6 लिगेंड को हम 6 ऑर्बिटल में भर देंगे। फटाफट देखो बच्चे, एक लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे एक एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इस प्रकार से लोन पेयर 4 हो गए, ये 5 और ये 6, 6 लोन पेयर यहाँ पे कर देंगे डोनेट। अब 6 लोन पेयर जब डोनेट करेंगे बेटा, तो हम इसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तीनों को जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4S, या फिर बेटा इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, चारों को देखने पर हम बोलेंगे sp3 और यहां से d2। क्या बेटा? sp3 d2 मिला, कौन सा संकरण मिला मेरे को, sp3 d2 संकरण, कौन सा संकरण बेटा, sp3 d2 संकरण। और ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि sp3 d2 संकरण जब होता है, कहां पे लिखा था, ये देखो sp3 d2 संकरण, sp3 d2 संकरण, sp3 d2 संकरण, तब वो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे बेटा ध्यान से, यहाँ पे जो संकरण होने वाला है, जो ज्यामिति होने वाली है, वो क्या होने वाली है बच्चे, अष्टफलकीय होने वाली है, अष्टफलकीय मेरे को यहाँ पे ज्यामिति दिख जाएगी।
ठीक है, इस वाले जो आयन है कंपाउंड्स की उसकी ज्यामिति अष्टफल की मेरे को पता चल जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें संकरण जो आपको पता चल गई, ज्यामिति भी इसकी पता चल गई। अब इसकी प्रकृति की अगर मैं बात करूं, तो हम प्रकृति में कैसे बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना कैसी चीजें होती है। ठीक है, अब देखो इसकी जो प्रकृति होगी, यहाँ पे जो अनुचुंबकीय प्रकृति की होगी, चुंबकीय प्रकृति कैसे बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ है, तो भैया ये कौन सा होगा, हमारी अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्या बेटा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। बस बच्चे इतने ही चीजें आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता है, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है। अगर इसको एक्सप्लेनेशन देने आगे बेटा प्यारे बच्चों को, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में नंबर ले सकते हो। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब बच्चे हमको सिर्फ ये वाला करना है बच्चे, यहाँ पे क्या था, जो हमारा सीएन था, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है, ये मैंने आपको अभी भी जो एग्जांपल है इसलिए मैं कराया बेटा, यहाँ पे वापस से इसको नहीं करा रहा मैं बस। ठीक है, वापस से इसको मैं नहीं करा रहा, समझ में आया, वापस इसको नहीं करा रहा मैं। क्यों बच्चे? क्योंकि आज जो हम ये कहाँ पे देखना बच्चा, जब मैं आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, कहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम बनेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम बनेगा, सिर्फ यहाँ पे हम जो वैकेंट डी ऑर्बिटल बनाते हैं वो हमको वापस बनाना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर आपको ज्यामिति लिखनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया बच्चे, उसी प्रकार से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आप बना पाओगे बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हम जो है पूरा का पूरा जो वीबीटी होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, वो पूरा सीख चुके हैं बच्चे, कैसे चीजें होती है, कैसे क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब बच्चे हमको जो पढ़ना होगा वो हम पढ़ते हैं किलेट या फिर लिगेंड, या फिर बेटा हाँ किलेट या लिगेंड बच्चे मैंने आपको बताया नहीं होगा, तो बच्चे मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, किलेट या लिगेंड क्या होता है ध्यान समझना। अगर मेरे बच्चे ठीक है, यहां पे मैं आपको याद आ रहा हूं कि यहां पे मैं चीजें ये किलेट एवं लिगेंड जो मैं बताना शायद भूल गया था, इसलिए मैं यहां पे अलग से साइड लेके आया हूं किलेट एंड लिगेंड क्या चीजें होती है। खैर बच्चे हम यहां पे हम बहुत आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर के तो पढ़ ही सकते हैं। देखो बच्चे क्या बात करेंगे, ध्यान सुनना बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, देखो जब कोई बहुदंतु लिगेंड एक साथ धातु आयन में कोई धाता परमाणु इस प्रकार जुड़ रहता है कि वो एक वलय का निर्माण करे, क्या करे बेटा, एक वलय का निर्माण। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ध्यान सुनना, PTEN2 ये मेरा एक कंपाउंड है, ध्यान सुनना, ये यहां पे मेरे सेंट्रल मेटल एटम पीटी है। अब इससे बच्चा क्या होगा, हमारा ईएन जुड़ा रहेगा, इससे मेरा एक ईएन जुड़ा रहेगा, एक ईएन और ये एक मेरा ये दूसरा ईएन, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसको क्या बोल दूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे भी रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये मेरा क्या कहलाने वाला है, किलेट कहलाने वाला है। ये जो पूरा प्रोसेस बनता है, ये किलेट का जो प्रोसेस होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, किलेशन बोलता हूँ, क्या बेटा, किलेशन बोलता हूँ या फिर किलेटन बोलता हूँ। ये जो सेंट्रल मेटल जो एटम है, जो पीटी है, इसको मैं बोलता हूँ किलेट लिगेंड, क्या बोलता हूँ बेटा, किलेट लिगेंड। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा रहता है, जो ईएन है, वो मेरा क्या कहलाता है, किलेट लिगेंड कहला रहा होता है। इस प्रकार से बेटा किलेट का जो पोर्शन था, जो थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चे, अब बच्चे अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, उपसंयोजक की जो समवायता होती है, जो आइसोमरिज्म होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले कि कौन कौन से आइसोमरिज्म होता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे तरीके से आपको डेफिनेशन के साथ, जो यहाँ से एग्जांपल के साथ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो मैं बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो अभी के लिए बेटा हम ये वीडियो लेक्चर जो है खत्म करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे सारे बच्चों को क्लियर होगा, तो अभी के लेक्चर बेटा हम ये खत्म करते हैं, धन्यवाद।